और अस्पताल चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह। मेजर शाह, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो है रूस की अगर हम बात करते हैं, वो खुद बौखलाया हुआ, जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, अब 10,000 यूक्रेनी सैनिक ट्रेनिंग लेने के बाद वापस मैदान जंग में उतर रहे हैं, यानी कि यूक्रेन भी जो है पूरी तैयारी के साथ है, जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज से उसको सपोर्ट मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, इसको मैं इक्वेट करता हूँ एक अलग तरीके से। जैसे कि फर्ज करिए भी ताइवान में अमेरिकन आर्मी ताइवान के अंदर ताइवानी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही थी जी, बस ठीक उसी तरीके से, हालांकि इनकॉग्निटो, छुप के, वो वर्दी में नहीं थे हालांकि, लेकिन अब उनको सपोर्ट, यूक्रेन को सपोर्ट बहुत है वेस्टर्न पावर से, अमेरिका से, ब्रिटेन से और नाटो के राष्ट्रों से, जो उनको हथियार गोलीबारी सप्लाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, अब 10,000 सैनिक ट्रेन होके वापस यूक्रेन आ रहे हैं लड़ने के लिए। यह कुछ वक्त की बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूक्रेन बहुत छोटा है, लेकिन जो जवाब दे रहा है रशिया को, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो मर जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, वो अलग बात है, कुछ वक्त की बात है, लेकिन इसमें नुकसान बहुत ज्यादा रूस को भी हो रहा है। और मैं नहीं मानता कि वो चार इलाके रूस ने घोषित किए थे अपने, जितने भी इलाके थे उनको मैं उनकी जीत मानूंगा ना, कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बस दिखाने के लिए है कि भाई एक जीत है। ऊपर से जब एक जंग छिड़ती है, सबसे पहली कैजुअल्टी होती है, पूजा जी, सच्चाई की कैजुअल्टी होती है, जो कौन कितनी ईमानदारी से, सच्चाई से झूठ बोल रहा है, तो कौन कितने यकीन से झूठ बोल रहा है, ये इसमें बहुत होता है जंग के अंदर। अब देखिए, इसको मैं ऐसा मानता हूं कि ये जंग बहुत खिंचने वाली है, और जो भलाई ब्रिटेन ट्रेन कर रहा है यूक्रेन के सैनिकों को, भाई इसमें बजाय ट्रेनिंग दे, जितनी एनर्जी, जितना एफर्ट, जितनी ताकत उन्होंने ट्रेनिंग में लगाई है, उतनी ही ताकत अगर वो बातचीत में लगवा देते, उतनी ताकत दोनों पक्षों को बोल देते, रूस और यूक्रेन को, कि भाई ये जंग किसी भी हालत में रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रुकी तो दुनिया भर में, विश्व भर में जाएगी और सबको इफेक्ट कहीं करेगी कहीं ना कहीं, और ये अच्छा नहीं होगा पूरी दुनिया के लिए। तो जी हाँ, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि वो बस ब्रिटेन का अनस्टिंटेड सपोर्ट है यूक्रेन के। जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार हम रशिया की बात करते हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, अभी पिछले दो दिनों में 75 से ज्यादा मिसाइलें जो है वो दाग दी गई हैं, और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन एक तरफ ये दावा कर रहा है कि जिन जगहों पर, जिन एरियाज के अंदर रूसी सेना ने कब्जा किया था, उनसे वहां पर रूसी सेना को जो है पीछे धकेला गया और वापस कब्जे में लिए गए वो क्षेत्र, ये इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? एक तरफ रूस के अटैक नहीं खत्म हो रहे और यूक्रेनी सेना जो है वो जमीन पर भी बराबर लड़ रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि देखिए, ये दोनों कोई भी बीच में आ जाए, कोई भी बात कर ले, सुलह करने की कोशिश करे, लेकिन रूस को जो करना है वो करेगा, यूक्रेन को जो करना है वो करेगा। रूस के ताबड़तोड़ हमले बिल्कुल, बल्कि क्रिमिया ब्रिज के बाद जो 19 किलोमीटर का ब्रिज था, 11 माइल लंबा, जिसकी 20 लेयर की सिक्योरिटी थी, उसको विनाश करना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि ये महज हादसा था, या यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन के जरिए, अपने स्पेशल फोर्स के जरिए इसको उड़ाया, ये किसी को मालूम नहीं अब तक। लेकिन जी हाँ, इसमें रूस और ताबड़तोड़ हमले करेगा और उसका पाला पड़ेगा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पुतिन का पाला और बढ़ेगा और ये ताबड़तोड़ हमले करेगा, और ये जंग किसी भी हालत में मैं रुकता हुआ नहीं देख रहा, आने वाले भविष्य में ये जंग और आगे जाने वाली है, यदि मैं ऐसे देखता हूँ इसको। जी, कर्च ब्रिज पर जो हमला हुआ था, जो अटैक हुआ था, रूस का कहना है कि वो यूक्रेनी सेना ने किया, यूक्रेनी सेना ने कहा कि वो रूस ने खुद कराया है, ये भी एक चल रहा है, लेकिन जब से इस ब्रिज के ऊपर हमला हुआ है, इसे जो है नष्ट करने की बात सामने आई है, तब से जो है रूस कहीं ना कहीं ज्यादा जो है गुस्से में आया, पुतिन का जो गुस्सा है इससे ज्यादा बड़ा है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि पुतिन का गुस्सा और बड़ा है इसके बाद, और थोड़ा हमले और तेज कर दिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन के मेजर जनरल साहब हैं, उन्होंने पहले भी कुछ चंद महीने पहले कहा था कि जो कर्च ब्रिज है, जो कि कनेक्ट करता है पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया और रूस को, ये एक सॉफ्ट टारगेट, एक लेजिटिमेट टारगेट होगा इनके लिए, और अगर वो टारगेट कर दे तो उनको दोषी ना ठहराया जाए, उन्होंने ये पहले डिक्लेरेशन दे चुके थे। जी, हमारे साथ इसमें जी तो अगर मैं अपनी नजरों से देखूं पूजा जी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरे को, हालांकि ये बात तय होनी बाकी आगे बताएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये यूक्रेन ने ही किया हो,
और यूक्रेन ने पहले भी ये चुके स्टेटमेंट दे चुकी है, और मुझे लगता नहीं कि रूस जानबूझ के उसके नुकसान वैसे ही हो रहा है, लेकिन अपना वो ये कोई ज्यादा ही हो गया कि अपना ही खुद नुकसान करवाएंगे वो, मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे। और ये महज हादसा तो मेरे को खैर नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से आप देखें तो एक टैंकर में आग लगी, फिर जाके सात टैंकर, फिर ट्रेन के डिब्बे थे वहां पे जो ट्रांसपोर्टर, उनमें भी आग लगी, पूरा ब्रिज 10 घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा वहां पे, मतलब उसके बाद भी जो ट्रैफिक शुरू हुआ वो इमरजेंसी ट्रैफिक था, वो नॉर्मल ट्रैफिक नहीं था। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि ये दरअसल ये यूक्रेन ने हो सकता है ये करवाया हो, और इसमें यूक्रेन तो हंस रहा होगा उस टाइम पे, भला ही मैं धाता बोलते हैं या कुछ भी हो, मगर अल्टीमेटली रूस का पाला पड़ चुका है और तेज हो चुका है, और ये बर्बादी के रास्ते में और ज्यादा तेजी से आ चुका है। जी, इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि जंग में नीदरलैंड करेगा यूक्रेन की मदद। नीदरलैंड ने भी एंटी एयर मिसाइल देने की बात कही है यूक्रेन को। नीदरलैंड ने एंटी एयर मिसाइल देने का ऐलान किया है, करीब 15 मिलियन यूरो की ये एंटी एयर मिसाइल होंगी जिन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा नीदरलैंड के द्वारा। तो इन तमाम दोनों खबरों पर बात करने के लिए सीधे हम रुक करते हैं मेजर शाह का। मेजर शाह, आप कैसे देखते हैं दोनों खबरों को, नीदरलैंड की बात करें चाहे जर्मनी की बात करें, हथियार जो है वो मुहैया करवाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं कि सपोर्ट जो है वो तो मिल रहा है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन जिस तरीके से हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी ग्रुप कैप्टन साहब ने भी कहा कि एक तरीके से मदद तो भले ही यूक्रेन को मिल रही है लेकिन जीत कहीं ना कहीं रूस की हो रही है, कैसे देखेंगे आप इसे? जी, मदद तो यूक्रेन को मिल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि यूक्रेन बहुत छोटा सा राष्ट्र था और किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि भाई आके छोटे से राष्ट्र पे आप दबाव डालें, भलाई रूस ने गलती किसी की भी हो, अल्टीमेटली बहुत लंबी हिस्ट्री है इसके पीछे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि अब जंग की शुरुआत में भी आपको याद होगा जर्मनी ने अपनी हेलमेट्स भेजी थी यूक्रेन के पास और बुलेट प्रूफ का सिस्टम भेजा था। अब नीदरलैंड्स भी सामने आया है, देखिए मैं ये नहीं मांगता कि जीत इसमें रूस की हो रही है, मेरी तरफ से अगर पूछा जाए तो मैं बोलूंगा हार दोनों की हो रही है, और किसी भलाई, देखिए मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं मैं, ताकि हर कोई समझ ले जो मिलिट्री से ताल्लुक रखता भी नहीं हो। शतरंज का खेल खेल रहे हैं पूजा जी आप और मैं, आपने मेरे चार फायदे मार दिए शतरंज में, आपने उड़ा दिए भाई, मैं और आप जीत रही हैं क्या, मैं हार रहा हूं क्या, नहीं कुछ कह नहीं सकते। फिर मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि मैं आपकी जो रानी होती है, जो क्वीन होती है, क्वीन ऑफ बैटल फील्ड, उसको मार दूं, उससे शक्ति उसके पास में हो। तो इसमें कुछ कह ही सकते कि जीत और हार किसकी हो रही है, हार दोनों की हो रही है, रूस का नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस बिल्कुल विंग ग्रुप कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि रूस चाहेगा कि वो जाड़ों की तरफ और लंबा खींचे, क्योंकि जैसी सर्बियन हवा जाड़ों की आएगी रूस को उतना ही फायदा होगा। दूसरी बात है, जब बर्फ गिरने लगेगी वहां पे तो जाहिर सी बात है जब बर्फ गिरेगी तो टैंक वहां पे स्लिप करेंगे, तो मगर इसमें वो भी नुकसान होगा कि भाई ये बर्फ गिर गई वहां पे टैंक भी स्लिप करें, लेकिन जाड़ों में इनका फायदा अल्टीमेटली उठाएगा रूस, और रूस इसको और लंबा खींचेगा, और रूस को हम सोच रहे कि कमजोर है, कमजोर तो हो ही रहा है। अमेरिका की भी स्ट्रैटेजी ये है, वेस्टर्न पावर्स की, नाटो राष्ट्रों की, कि भाई रूस को और कमजोर किया जाए इतना लंबा जंग खींच के, लेकिन अल्टीमेटली और रूस पे प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्या रूस को फर्क पड़ा है? रूस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि रूस ने अपने आप को इतना मजबूत करा दिया है अंदर से ही कि दुनिया, जैसे कि आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, नॉर्थ कोरिया से बाहर के देशों से इतनी प्रतिबंध है उनके ऊपर, कोई आना जाना है नहीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो एक के बाद एक वो बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने सक्षम बनाया है। जी जी जी